Hey guys, welcome to this video. So planning to do 3-year LLB and participating in the CAP round, but don't know conversion certificate कैसे बनाते हैं, उसका क्या format है और किसके लिए compulsory है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो conversion certificate है basically आपका जो भी marks है या grades है या points है उसको proper marks में कैसे calculate करना है और कैसे percentage निकालना है उसका एक format होता है, एक certificate होता है। कैप का जो ब्रोशर है उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट के सैंपल्स फॉर्मेट्स आपको दिख जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जितने भी यहाँ पे ब्रोशर में आप चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपके कैप के ब्रोशर में है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड लगेगा, बट उसी ब्रोशर में कैप का जो ब्रोशर आया है पेज नंबर 25 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट टू ब्रिंग द कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो आई रिकमेंड कि अगर पॉसिबल है तो आप कॉलेज से जहां से आपने आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, या फिर आप बना लीजिए और कॉलेज से स्टैम्प ले लीजिए। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कैप राउंड में हो सकता है कि आप सेल्फ अटेस्टेड दे तो दो, अप्रूव भी हो जाए, पर जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तब कॉलेज में डिमांड कन्वर्जन सर्टिफिकेट साइंड बाय योर कॉलेज बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि आप कॉलेज से कलेक्ट कर लीजिए, फाइन। सो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद टेंथ, ओके। टेंथ और ट्वेल्थ का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ था कि अगर आपने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई, आईबी बोर्ड से किया हुआ है तो आपका जो पर्टिकुलर पीडीएफ होगा, तो यहाँ पे आपका टेंथ का अलग पीडीएफ होगा, ट्वेल्थ का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा और पीजी का अलग होगा, अगर पीजी अप्लीकेबल है तो, ठीक है। टेंथ का एक पीडीएफ होगा जो 500 केबी के अंदर होगा, एक पीडीएफ में आपका मार्कशीट और उसी में कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ट्वेल्थ का एक पीडीएफ होगा 500 केबी के अंदर, एचएससी मार्कशीट और कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो कैप का ब्रोशर है उसमें दो टाइप के फॉर्मेट है, एक सेमेस्टर पैटर्न का है और एक ईयरली पैटर्न का है। तो सेमेस्टर पैटर्न मान लीजिए आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर जो आपका कॉलेज था वहां पे अगर सेमेस्टर में हुए थे एग्जाम, ओके, लेट्स से अगर आपने 3 साल का डिग्री का कोर्स किया ग्रेजुएशन का, वहां पे टोटल 6 सेमेस्टर थे, तो यू हैव टू यूज सेमेस्टर पैटर्न। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग किया हुआ है जहां पे 4 साल का था और 8 सेमेस्टर थे, तो यहाँ पे यू हैव टू एड 7 एंड 8, तो आपको 8वें सेमेस्टर के आपको मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइल होगा वो इस हिसाब से होगा, अगर आपने 3 साल का किया हुआ है तो आपके एक ही पीडीएफ में 500 केबी का वो होना चाहिए सेमेस्टर पैटर्न वाला, एक ही ये पूरा एक ही पीडीएफ होगा जिसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 के मार्कशीट्स होंगे और आप लास्ट में आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका डिग्री वाला जो फाइल है वो रेडी होगा। इनकेस आपने जो डिग्री किया हुआ है वो ईयरली पैटर्न फॉलो करता था, वो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है 4 साल था तो आपको 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पे रखने होंगे, ठीक है। एंड आपका जो पीडीएफ होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ईयरली पैटर्न का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ओके, देयर इज अ मिस्टेक, ये ईयर 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपका 3 साल, अगर 4 साल है तो 4 साल होगा और उसके नीचे कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी आपने डिग्री किया हुआ है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज कंपलसरी। एंड आपका जो पीजी है, पीजी का अलग फॉर्मेट है, आपकी जो फॉर्मेट्स हैं ये कैप के ब्रोशर में लास्ट में रखे हुए हैं, आप उसको प्रिंट ले सकते हो, प्रिंट लेने के बाद आपका मार्क्स, आपका जो भी डिटेल्स है पूछा गया, दैट यू हैव टू फिल, ठीक है। ये पीजी का है सेमेस्टर पैटर्न का, तो अगर पीजी जनरली 2 साल का होता है और सेमेस्टर पैटर्न है तो उसमें आपको 4 सर्टिफिकेट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, उसके नीचे कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो जितने भी फाइल्स होंगे सब 500 केबी के अंदर होंगे। और आपने जो पीजी किया हुआ है वो अगर ईयरली पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ओके, आपके मार्क्स और जो भी यहाँ पे डिटेल्स पूछे गए, दैट यू हैव टू अपलोड, ठीक है। तो ये जो पीजी आपका ईयरली पैटर्न होगा तो ईयर 1, ईयर 2 के मार्क्सिट यहाँ पे होंगे, उसके नीचे कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा, फाइन। सो आई होप नाउ यू नो कि किस प्रकार से आपका पर्टिकुलर फाइल दिखेगा, कि जो भी फाइल्स होंगे जो आपको अपलोड करने हैं कैप के पोर्टल पे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इसको कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने एक वर्ड फाइल खोल दी है, आप पहले पेज पे आपका फर्स्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए, दूसरे पे दूसरे ईयर का,
ये जितने भी है 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में कन्वर्जन सर्टिफिकेट, आप उसको करके आपका जो वर्ड फाइल है उसको सेव कर दीजिए पीडीएफ में, आपका फाइल रेडी हो जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर इट इज अंडर 500 KB। फाइन, सो थैंक सो मच। एंड अगर आपने अभी तक कैप कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आप कैप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एट 149 rupees। इसमें आपके मन में कुछ भी कैप के बारे में कुछ क्वेश्चन होगा, आप हमसे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, 11 से 7 के बीच में विल रिप्लाई, एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ से उसके अंदर, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे ओके कैप के बारे में, वो आप सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।